जम्मू कश्मीर से है बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार से बाहर हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूटा, बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस लिया, शाम तक इस्तीफा दे सकती है महबूबा मुफ्ती। इसी मुद्दे पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे आपको लेकर चलते हैं। लक्ष्य थे एक तो शांति, राज्य में शांति बहाल करना, दूसरा राज्य के तीनों प्रमुख हिस्सों में विकास को तेजी से आगे बढ़ाना, रेस्टोरिंग इन कश्मीर एस्पेशली इन द कश्मीर एंड एनकरेजिंग फास्ट डेवलपमेंट इन ऑल द थ्री रीजंस ऑफ द स्टेट दैट इंक्लूड जम्मू लद्दाख एंड कश्मीर वैली। These were the twin objectives with which we had joined hands with the PDP to form the coalition government. आज जो परिस्थिति राज्य में निर्माण हुई है, जिसमें एक भारी मात्रा में कश्मीर घाटी में आतंकवाद, टेररिज्म एंड वायलेंस बढ़ गया, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स दैट इंक्लूड राइट टू लाइफ एंड फ्री स्पीच, ये भी खतरे में आ गए हैं वैली में। आपने देखा जिस प्रकार एक मूर्धन्य पत्रकार शुजात बुखारी जी की दिन दहाड़े श्रीनगर शहर में हत्या होती है, यह परिस्थिति की विषमता का एक परिचायक है। आज प्रेस फ्रीडम हो या फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यह भी खतरे में आ गया है। जहां तक केंद्र सरकार का रोल का प्रश्न है, हम भारत सरकार को तो पूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में प्रोएक्टिवली राज्य सरकार को मदद करने के लिए भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा तत्पर रही। सेंट्रल गवर्नमेंट के अनेक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स राज्य में अमल किए गए हैं और विशेषकर 80,000 करोड़ का एक डेवलपमेंट पैकेज भी राज्य को दिया गया, उसमें एक सब्सटैंशियल राशि ऑलरेडी राज्य को मिल चुकी है, डिसबर्स भी हो गई है और अनेक प्रकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में केंद्र सरकार अपना मदद देती ही रही है। एक्चुअली 15 दिन पहले प्रधानमंत्री स्वयं लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य में जाकर 2 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को फिर उद्घाटन करके आए थे। तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से डेवलपमेंट के लिए जो भी आवश्यक विषय था जम्मू कश्मीर के लिए वो करती रही। राज्य की सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए भी राज्य सरकार को पूरी मदद केंद्र सरकार की ओर से, विशेषकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय दोनों से मिलते रहे। गृह मंत्री समय समय पर वैली में दौरा करते रहे और आपको मालूम है अभी हाल में एक इंटरलॉक्यूटर को भी नियुक्त करके जम्मू कश्मीर के, विशेषकर कश्मीर वैली के जो विभिन्न सेक्शंस है उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने का भी एक सिंसियर एफर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, होम मिनिस्ट्री ने किया और सीमा पार जो भी पाकिस्तान की गतिविधि होती है उसको विफल करने का भी पूरा प्रयास हमारी सरकार, हमारे होम मिनिस्ट्री, हमारा मिलिट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री लगातार करते रहे। जम्मू में सीमा की इस तरफ रहने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनाने के लिए भी पूरा सहयोग भारत सरकार ने दिया, 4,000 बंकर्स का निर्माण का काम हुआ है। तो भारत सरकार अपनी तरफ से राज्य में स्थिति को अच्छी चलाने के लिए जो भी आवश्यक कदम राज्य सरकार ने मांगी है वो सब देने के लिए हमेशा तत्पर रही। पर मुझे ये कहते हुए दुख है कि हालांकि हम भी 3 साल से उस सरकार में भागीदार रहे हैं, फिर भी सरकार का जो मुख्य नेतृत्व जिनके हाथ में है वे इन स्थितियों को संभालने में कहीं पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे हैं। हम इनको इरादों को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं,
पर वास्तविक स्थिति में जो राज्य सरकार का दायित्व था, विशेषकर कश्मीर घाटी में परिस्थिति को सुधारने का, उसमें राज्य सरकार असफल रही, ऐसा ही लगता है। और दूसरी तरफ जम्मू और लद्दाख में जो विकास की दृष्टि से जितना काम होना था, उसमें भी कहीं ना कहीं अड़चने हमारे मंत्रियों को सामना करना पड़ता आया है। जितने मंत्रालय हमारे पास थे, उनमें फिर भी हमारे मंत्री कोशिश करके कुछ विकास के काम कर सकते थे, पर पूरी सरकार तो बीजेपी का नहीं है, उसके चलते कई विभागों में काम की दृष्टि से काफ़ी समस्याएं और एक प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन की भावना जम्मू और लद्दाख की जनता महसूस कर रही है। ये सभी स्थितियों को ध्यान में रखकर 3 साल सरकार चलाने के बाद आज हम इस मत के बने हैं कि व्यापक देश हित में, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड और अविभाज्य अंग है, उस कमिटमेंट को हम ध्यान में रखते हुए, देश की सॉवरेंटी, देश की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखते हुए, कश्मीर में जो परिस्थिति इस समय उत्पन्न है उसके ऊपर नियंत्रण लाने के लिए, बेसिकली कीपिंग इन माइंड द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इन ऑर्डर टू ब्रिंग कंट्रोल ओवर द सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट, वी हैव डिसाइडेड दैट इट इज टाइम द रीन्स ऑफ पावर इन द स्टेट बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नर, राज्य में गवर्नर का शासन लाए और स्थिति को सुधारने का प्रयास हो, और परिस्थिति सुधरने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर हम विचार करेंगे। इतना विषय ध्यान में रखकर हमने आज ये निर्णय लिया है। आपके सामने एक प्रश्न हो सकता है कि आपने तो अभी अभी एक महीने का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस का भी घोषणा की थी। हमने एक आशा के साथ कि रमजान माह में, जो मुस्लिम समाज के लिए एक पवित्र माह होता है, पवित्र महीना होता है, उस समय घाटी में सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के माध्यम से शांति बहाल करें और उसमें आम जनता को एक तसल्ली मिले, इस उद्देश्य से हमारी तरफ से हमने ऑपरेशंस को रोका था। हमारी अपेक्षा थी कि हमारे इस कदम का एक अच्छा रेस्पॉन्स आतंकवादियों की ओर से भी और वहां जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस है, हुर्रियत वगैरह, उनके तरफ से भी आएगी। हमारी मजबूरी नहीं थी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस, पर हमारा बड़ा दिल था, हमारा गुडविल जेस्चर था। पर हमारा अनुभव यह है कि इस एक महीने के दौरान भी कोई अपेक्षित प्रतिसाद उधर टेररिस्ट की तरफ से नहीं आया, और सेपरेटिस्ट फोर्सेस जो भी है वहां, हुर्रियत समेत बाकी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी है, वे भी इस अवसर को अपने अनुकूल फायदा के लिए लेने का प्रयास नहीं किया। इसलिए अब यह भी होम मिनिस्ट्री ने तय किया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस जो रमजान माह के लिए अनाउंस किया गया है, वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया। तो भारत सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास करने के बाद इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, अब समय आया है कि इस सरकार का के अंदर से भाजपा अपने आप को विथड्रॉ करे। तो थोड़ी ही देर पहले हमने हमारी तरफ से जो गतिविधि करना है वो किया है। मेरे साथ जो राज्य के उप मुख्यमंत्री जी है, उनसे आग्रह करूंगा कि सेंट्रल पार्टी का इस निर्णय को अमल करने के लिए
उन्होंने जो कदम उठाया वो उसकी जानकारी आपको दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्वागत करती है। देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को देखते हुए जो निर्णय लिया गया जो अपने आप में पर्याप्त है। हमने राज्यपाल को अपना जो रेजिग्नेशन है भेज दिया है। हमारे मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री महबूबा जी को रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ ही आज से हम जम्मू कश्मीर सरकार से, गठबंधन से बाहर आ गए हैं। बाकी केंद्र के निर्णय का हम सभी की तरफ से स्वागत है। मित्रों कुछ एक मिनट, एक एक करके लेंगे। हमने एक स्वाभाविक प्रक्रिया में 3 साल पूरा होने के बाद मंत्रिपरिषद में कुछ फेरबदल जरूर किया है। उस समय भी, आज तक भी हमारी अपेक्षा थी कि साथ मिलकर हम पूरे कार्यकाल तक सरकार चला पाएंगे, पर जैसा मैंने कहा, जो परिस्थिति में विकटता आ रही है उसके चलते इस सरकार में कंटिन्यू करना हमारे लिए टेनेबल नहीं है, इसलिए आज ये निर्णय लिया है। मारिया सकील, नो, व्हाई नाउ यू कैन आस्क एनी डे, whenever we do it you can say why now. I have explained to you why now. We have taken stock of the situation in the state. Number one, the security scenario in the valley. Number two, growing sense of discrimination in the remaining two parts of the state. Keeping these two situations in mind and taking full stock of the situation, taking feedback from all the different concerned institutions and agencies in the state, the central government and central party has come to the view that it is time BJP withdrew from the state government. Radhika ji. No, as I told you, the reasons I have explained why we decided to withdraw from the government. There are no other reasons, no other concerns. We are not losing any ground. We have done a lot of good work for the people of Jammu. Our ministers have delivered on different fronts, wherever they, whichever ministries they were holding. They have been able to do a lot of good work for the people, not only of Jammu and Ladakh, I am saying for the entire state. So we are not really concerned about losing ground and all that. The issues, as I mentioned, are different. Amit Kumar. मैंने आंसर कर दिया, आज क्यों, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया, नहीं था वो सब मैंने कह दिया। राधिका के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा और कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई डर नहीं है। अनीता जी, सर मेरा सवाल है कि रमजान के महीने में जो
अब घूम फिर कर वही आ रहे हैं। मैंने कहा हमने सीज फायर एक एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में वहां के टेररिस्ट एलिमेंट्स और सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स के लिए दिया था फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, रिमेंबर। उसको भी वो उस अपॉर्चुनिटी को भी वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में परिस्थिति को नियंत्रित करने की एक आवश्यकता थी, उसको महसूस करते हुए निर्णय लिया है। देवेंद्र पलासर। नए राज्य के लैंड ऑर्डर की सिचुएशन को स्टेट मैनेज करता है और स्टेट में हम सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट के फोर्सेस मिलकर आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का एक बहुत बड़ा मुहिम चलाया था। उसकी भारी सफलता हमको मिली है। पिछले 3 साल में करीब 600 से ज़्यादा आतंकियों को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है। पर इसमें एक वैली के अंदर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट की जो जिम्मेदारी है और रेडिकलाइजेशन रोकने के लिए जो और प्रयास डेवलपमेंट के माध्यम से और एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म के माध्यम से जो होना था उसका कोई समय वहां हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए एक बात याद रख लेना, अगर गवर्नर्स के गवर्नर रूल भी वहां लग जाती है उस राज्य में तो भी हमारे आतंकवादियों के खिलाफ का मुहिम जारी रहेगा और सफलता से आगे बढ़ेगा, यह मुहिम तो चलेगा ही। इसलिए ये दो को लिंक करने का कोई कारण नहीं, मैं इतना ही कह रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है उसमें हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम बाहर आ रहे हैं। अनामिका रत्ना। इसलिए मैंने कहा, हम उस समय भी कहे थे, बीच में भी कई बार कहे थे कि जनता का मैंडेट को सम्मान करना था। उस समय अगर हम सरकार नहीं बनाते तो केवल एक ही विकल्प था कि एक राष्ट्रपति का या गवर्नर का शासन लग जाए। इतना बड़ा मैंडेट जनता ने दिया, तब उस मैंडेट का सम्मान करते हुए हम साथ आए हैं। 3 साल हमने कोशिश किया, कई चीजों में हम बीजेपी की ओर से हम बहुत कुछ करने का जम्मू के लिए वगैरह के लिए कोशिश किया है, पर आज एक ऐसी व्यापक राष्ट्रीय हित में स्थिति निर्माण हुई, उसके अंदर हम ये निर्णय लिए हैं। एक मिनट शांत रहे। रवीश जी आपका हो चुका है। पॉल मी प्लीज। We are saying that the continuance of BJP in this government has become untenable. The responsibility for this kind of a scenario lies with the other side. Megha Prasad. No, as I said, I have highlighted 2 points. Both of them are equally important for us. Number one, the security scenario where even the fundamental rights of the citizens of especially the Kashmir Valley are at a huge risk today. I also refer to the recent killing of Shujaat Bukhari in broad daylight in Srinagar city, and 4 days, 5 days after that, we are nowhere near catching the culprits. So it is a big serious question about protecting the fundamental rights of the people, right to free speech, right to life. That also is a major concern. Deteriorating law and order situation and also growing terrorist activity and radicalization is a concern. Plus, as I said, we needed much more to be done to the other 2 regions in the state.
we find that not happening to our satisfaction. Rakesh PTI. Last ले लेते. Jammu and Kashmir has faced ups and downs many times. There was a rise in violence and terrorism in the past also. Then after some time, there was a controlled situation for some time. Then there was a spurt again in the situation. It has happened in the valley. All that I'm saying is, we came to the view, conclusion, that the present scenario cannot be handled by the present government at this juncture. And we find our continuance in this government to be totally untenable. It's time that matters are taken over by the governor. Situation is restored to normalcy. Then we can take the political process forward. Ravindra G News. Ravindra G News. Please. Ravindra G News. हमने जैसा कहा कि वर्तमान स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ समय के लिए राज्य में गवर्नर का शासन लगाया जाए, यही आज की स्थिति में सही विकल्प ऐसा हमको लगता है. बाकी उचित निर्णय गवर्नर साहब करेंगे. यह तीन इंडिया न्यूज. मेरी जानकारी में नहीं है कि उनका क्या व्यू था. इन एनी केस आफ्टर द किलिंग ऑफ शुजात बुखारी देर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कंसिडरेशन ऑफ एक्सटेंडिंग सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस. आई मीन इफ टेररिस्ट कुड वॉक इन टू श्रीनगर सिटी एंड देन किल अ सीनियर जर्नलिस्ट, आई मीन ए सेन वॉइस लाइक दैट ऑफ सजाद अपन बुखारी, शुजात बुखारी, in broad daylight in a VIP area called press enclave, obvious that we could not have asked for extension of continuous suspension of operations. Chale bhaiya, thank you. Ram Narayan Srivastava. तो बीजेपी महासचिव राम माधव को आप सुन रहे थे. प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, प्रेस को संबोधित वो कर रहे थे और तमाम पत्रकारों के सवालों का जवाब वो दे रहे थे. बीजेपी ने पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया है. बीजेपी पीडीपी गठबंधन टूटा. बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन की मांग की है और साथ ही आज शाम तक मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जो है वो इस्तीफा दे सकती हैं. तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी का गठबंधन टूटा. सीधे नेशनल वॉइस के एसोसिएट एडिटर आलोक जी के पास जाएंगे. आलोक जी, ये खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है बीजेपी पीडीपी का जो गठबंधन था वो टूट गया है और जो बीजेपी महासचिव राम माधव थे वो कह रहे हैं कि पार्टी के सभी सदस्यों की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया है. बिल्कुल, देखिए ये अपने आप में बड़ा ही राजनीतिक उलट फेर माना जाएगा. हमने उस वक्त भी देखा था जब 3 साल पहले यही राम माधव एक सूत्रधार बने थे और भारतीय जनता पार्टी और पीडीएफ के बीच में एक गठबंधन तैयार हुआ था, सरकार बनी थी. उस वक्त भी बहुत सारे सवाल उठे थे कि वो पीडीपी
जिसके साथ इतने सारे कॉन्ट्रडिक्शन हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल पाएगी, क्या एक गठबंधन सर्वाइव होगा? जैसा कि खुद राम माधव कह रहे थे कि इस पूरे 3 साल के गठबंधन में कई उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक समझौतावादी एक रुख भारतीय जनता पार्टी ने रखा था। लेकिन यहाँ पे दिव्या देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से ये पूरा आज घटनाक्रम, राजनीतिक घटनाक्रम टूटा है, बना है, ये इसकी एक भूमिका हम सीज फायर के रूप में देख सकते हैं कि रमजान के इस पाक मौके पर जो सीज फायर था वो कहीं ना कहीं विरोधाभास हो रहा था। केंद्र सरकार और जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो इस बात को बचाव नहीं कर पा रहा था। और वहीं पे जो महबूबा थी मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात को रख करके एक तौर पे दबाव में कहीं ना कहीं ये सब किया था, लेकिन उसकी जो कीमत थी वो बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ी। हम जो शहीद हुए हमारे जवान सीमाओं पर, इन सब को लेकर के आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ऐसा माहौल हो चुका है जहाँ पर वो सरकार में बने नहीं रह सकते हैं, इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो वो उस जगह पे सरकार में थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे रंग में देखा जाता था कि कश्मीर में रह करके सरकार में आना एक बहुत ही अपने आप में अलग बात थी। कुछ ना कुछ पॉलिटिकल माइलेज भारतीय जनता पार्टी जरूर लेना चाह रही थी, लेकिन आज जिस मुद्दे पे उसने अपने आप को विड्रॉ किया और समर्थन वापस लिया, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट का समय भी देखा गया। और जिस तरह से क्रिटिसाइज किया जा रहा था सीज फायर के पूरे इस पहल को, उन सब को देखते हुए आखिरकार ये पीडीएफ और बीजेपी की सरकार जो है, जो गठबंधन था, टूट गया। और अब सारा का सारा राजभवन पे दारोमदार होगा कि वो क्या करते हैं। जैसा कि राम माधव भी कह रहे थे कि राज्यपाल से उन्होंने आग्रह किया है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, उसके बाद अगर कोई राजनीतिक पहल की जाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति शासन की प्राथमिकता उन्होंने अपनी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से राजभवन तक पहुँचाया है। जी, इसके साथ ही कई सवाल उठने लाजमी हैं आलोक जी, क्योंकि इस वक्त जो हालात है कश्मीर के वो बेहद ही संवेदनशील हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि सीज फायर को लेकर जो अभी वहाँ पर हुआ, उसके बाद शुजात बुखारी की हत्या हुई, उसके बाद तमाम सवाल हैं। या जनता ये कह रही है कि बीजेपी डर गई है, इसी वजह से वो उसने समर्थन वापस ले लिया है। बिल्कुल दीपा, जो हम अभी राम माधव को सुन रहे थे, उन्होंने एक तौर पर सिलसिलेवार वो सारी बातें रखी जो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक समझा। उन्होंने कहा 3 साल पहले हमने वो पहल की थी जिससे 5 साल तक की सरकार चले। उन्होंने बीच में ये भी माना कि कई उतार चढ़ाव हुआ है, मंत्रिमंडल में फेरबदल किए गए, कुछ ऐसी नीतियां भी दिखी जहां पर वहां जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री, अगर महबूबा की बात की जाए, और बीजेपी के मंत्रियों के बीच में टकराव भी आया। ऐसे सब चीज़ों के बीच में एक अजीब सी स्थिति थी कि क्या इस गठबंधन, जो कि हम नेचुरल अलायंस कहते हैं, कि क्या दो पार्टियों के बीच में नेचुरल अलायंस हो सकता था? शुरुआत में ही इसके बहुत सारे प्रश्न थे, इस पर बहुत सारे प्रश्न लगे थे, लेकिन सीज फायर एक ऐसा मुद्दा साबित हुआ जिस पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी आलोचनाएं झेलनी पड़ी, जहां पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी ये जरूर पहल तो की थी लेकिन उन्हें पता था कि इसको लेके आलोचना हुई है। और सीमा पे जिस तरह से जवान शहीद हुए, जिस तरह से ऑल आउट ऑपरेशन पहले चल रहा था, लेकिन सीज फायर ने सब कुछ एक तौर पे कहा जाए खेल बिगाड़ा और भारतीय जनता पार्टी को एक कटघरे में खड़ा कर रहे थे, इन सब चीजों का हवाला देते हुए राम माधव ने एक बहुत ही सेफ वर्ड चुना कि वर्तमान में ऐसा माहौल बन चुका था जिसमें वो सरकार में बने नहीं रह सकते थे। और आखिरकार बात राजभवन तक गई है, समर्थन वापसी हो गई है। अब मुफ्ती के पास सिर्फ यही बात बचती है कि वो इस्तीफा देंगे, इस्तीफे के बाद क्या कहानी होती है ये भी देखना होगा। और दूसरा, हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात की जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, अदर्स की बात की जाए, तो क्या ये सब लोग फिर एक जुट होकर के महबूबा के साथ खड़े होंगे? ये सारी चीजें हैं जो कि घटनाक्रम को देखना पड़ेगा। जी, ये सारी बातें सामने निकल कर आई है बीजेपी के खिलाफ। जो भी है, माहौल ऐसा बन गया है कि अब सत्ता में रहना बीजेपी के लिए मुश्किल हो चुका है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, बने रहिए नेशनल वॉइस के साथ।